चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे नेशनल हेल्थ पॉलिसी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको हम आसान बनाने की कोशिश करते हैं। हम एक आपको फ्रेम बना देते हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। हम लोग बताए थे कि ऐसे लिखिएगा कि पॉलिसी, सबसे पहला तो आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कल हम आपको इसको डिफाइन करके बता रहे थे, आपको डिफाइन नहीं करना है, बस वो हम केवल आपको नॉलेज के लिए बताए थे, ठीक है। हाँ प्रणाम प्रणाम। कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी का मतलब क्या होता है, आप यहां से शुरू करेंगे लिखना, क्योंकि वो आपके लिए अनवांटेड चीज है ना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति हिंदी में बोलते हैं ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति इसको हिंदी में बोलते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी। हमने कल बताया था हेल्थ पॉलिसी क्या है, वो डिफाइन किए थे ऐसे ही हम समझाने के लिए, वो नहीं लिखना है, यहां से स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। कि स्वतंत्रता के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंसी, ठीक है ना, स्वतंत्रता के बाद भारत में स्वास्थ्य की जो सुविधाएं थी वो बेहतर स्थिति में नहीं थी। आफ्टर इंडिपेंडेंसी द स्टेटस ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, द स्टेटस ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज इन इंडिया इज नॉट इन वेल कंडीशन, वॉज नॉट इन वेल कंडीशन। After independency, the status of health facilities in India was not in better condition. एकदम सिंपल लिखिए ताकि समझ में आ जाए, किताबी भाषा नहीं लिखना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर स्थिति में नहीं थी और इसमें क्या क्या कमी थी ये लिखेंगे। इसमें कुछ कमी थी, जो कमी थी स्वास्थ्य सुविधा में, पहला आधारभूत संरचना का अभाव। देखिए ये क्यों लिख रहे हैं, सीक्वेंस बनाने के लिए। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर द फर्स्ट ड्रॉबैक, लिखिएगा मेनी ड्रॉबैक्स आर प्रेजेंट इन हेल्थ फैसिलिटी ऑफ इंडिया। मेनी ड्रॉबैक्स आर प्रेजेंट इन हेल्थ फैसिलिटी ऑफ इंडिया। भारत में की स्वास्थ्य सुविधाओं में कई कई ड्रॉबैक कमियां थी। भारत के स्वास्थ्य सुविधा में कई कमियां थी, पहला आधारभूत संरचना का अभाव, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। हमारे यहाँ बड़े बड़े मतलब क्या बोलेंगे, इक्विपमेंट्स नहीं थे, हमारे यहाँ रिसर्च नहीं था, हमारे यहाँ लैब टेस्टिंग नहीं थे। बड़ा बीमारी हो गया तो लोग बाहर इलाज कराने जाते थे, ठीक है। तो इसीलिए ये दूसरा पूंजी का अभाव, लैक ऑफ कैपिटल। इसीलिए आप देखिएगा कि आगे प्राइवेट प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को शामिल किया गया, ठीक है। और तीसरी लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ, फर्स्ट इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकेंड इज लैक ऑफ कैपिटल, एंड थर्ड तीसरा जो है स्वास्थ्य संबंधी जितने भी सूचकांक थे उसमें भारत का दर जो है उसमें भारत की बेहतर स्थिति नहीं, भारत की खराब स्थिति, स्वास्थ्य सूचकांक की स्थिति थर्ड। सूचकांक की दशा में भारत निम्न स्तर पर, निम्न स्तर पर स्वास्थ्य सूचकांक की दशा में भारत निम्न स्तर पर, लो लेवल ऑफ इंडिया इन हेल्थ इंडिसेस। जैसे स्वास्थ्य सूचकांक क्या है, जैसे मोर्टलिटी रेट, चाइल्ड बर्थ रेट, है ना, इन्फेंट डेथ रेट,
लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, मतलब कहने का मतलब बाल मृत्यु दर या शिशु मृत्यु दर कह सकते हैं, मातृ मृत्यु दर, उसके बाद जीवन प्रत्याशा दर, जीवन प्रत्याशा दर, ये सब में भारत की स्थिति खराब थी, निम्न स्तर पे थी। और आप देखिएगा कि ये जो तीन, धीरे बोलिए ना, तीन नेशनल हेल्थ पॉलिसीज जो हैं, उसमें उसमें मेन फोकस इन्हीं सब पर है। एक और बस चार लिखिए, जो रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य का अभाव, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज, एक लाइन में इसको लिख के पार हो जाइएगा कि स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर स्थिति में नहीं थी, कई कमियां मौजूद थी, मेनी ड्रॉबैक्स आर प्रेजेंट इन हेल्थ सेक्टर ऑफ इंडिया, मेनी ड्रॉबैक्स आर प्रेजेंट इन हेल्थ सेक्टर ऑफ इंडिया एज लाइक आधारभूत संरचना का अभाव, एक लाइन में पूंजी का अभाव, स्वास्थ्य सूचकांक की दशा में भारत की निम्न स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा का अभाव, इंग्लिश में बोलेंगे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, लैक ऑफ कैपिटल, लो लेवल ऑफ इंडिया इन ऑल हेल्थ इंडिसेस, और चौथा लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटी इन रूरल एरियाज। इन सभी को सुधारने के लिए है ना, टू इसी कारण, या लिखिएगा इसी कारण भारत ने सर्वप्रथम 1983 ईस्वी में पहली स्वास्थ्य नीति की घोषणा की। एग्जाम में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव, भारत की पहली स्वास्थ्य नीति कब घोषित की गई, 1983 पहली स्वास्थ्य नीति, ठीक है, तो लिखेंगे ड्यू टू दिस इंडिया हैज अनाउंस्ड फर्स्ट पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी इन 1983, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में लिखेंगे, इसका अब इसके मुख्य उद्देश्य मेन यही लिखना है आपको, मेन ऑब्जेक्टिव्स, मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो क्या है, इसका सब हम क्या बोले कि पहला ये देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्र में साथ स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था, तो पहला जो उद्देश्य था, पॉइंट वाइज लिखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा उपलब्ध कराना, क्योंकि ऐसा देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्र में फैसिलिटी है ही नहीं हेल्थ का, लोग उस समय क्या थे, नीम हकीम डॉक्टर पे ही डिपेंड थे, और क्या होता था, कई बीमारियां बच्चों में जो है, बहुत सारे डिजीजेस थे, बहुत सारे अबनॉर्मैलिटीज थे, लोग का हेल्थ इश्यू बहुत ज्यादा था रूरल एरियाज में, तो पहला फोकस वही किया गया। ये याद रखिएगा, ये 1983 का जो हेल्थ पॉलिसी है वो पूरी तरह से फोकस था रूरल हेल्थ केयर पे। हर जो तीनों है, तीनों का कुछ ना कुछ फोकस है, ठीक है, तो ये लिखिएगा कि द मेन फोकस ऑफ दिस पॉलिसी इज टू एस्टैब्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, द मेन फोकस ऑफ दिस पॉलिसी इज टू एस्टैब्लिश कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज इन रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री, इन रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री। मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक
व्यापक वर्ड है, देखिए यहाँ पे व्यापक का कुछ ना कुछ अर्थ है, उसको मत छोड़िएगा। व्यापक प्राथमिक, दो वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सुधार सेवाएं उपलब्ध करना, आविष्कार समझिए, व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा। इसमें तीन वर्ड है, दो वर्ड को बढ़िया से समझिए, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी, दो वर्ड है। देखिए बहुत लोग क्या कर रहे हैं ना, एकदम हड़बड़ा गए हैं और केवल नोट्स पढ़ रहे हैं। हम बार बार बोल रहे हैं नोट्स नहीं रटाएगा, अभी चाहिएगा तो नोट्स नहीं रटाएगा, लेकिन बस एक काम कीजिए, मेरा वीडियो देखिए, अभी वीडियो पे फोकस्ड होइए, एग्जाम के 15-20 दिन पहले नोट्स पढ़िए, वीडियो सबसे पहले देखिए, फिर समय है तो नोट्स भी पढ़िए, वीडियो सुनिए और सिनॉप्सिस बनाइए, वही काम आएगा। क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं एग्जाम का एक दिन भी गैप नहीं मिलता है, और उसमें सिनॉप्सिस, और याद रखिए एग्जाम के, जब आप एग्जाम देने जा रहे हो उसके पहले आप कितना पढ़ते हैं वो मायने रखता है, उसके पहले सब दिमाग से निकल जाएगा हड़बड़ी में। इसलिए हम बार बार सबको सजेस्ट कर रहे हैं, वीडियो देखिए नोट, और आप सिनॉप्सिस बनाइए, वीडियो देख के मेन मेन पॉइंट को नोट कीजिए, वही आपको काम आएगा। लंबा चौड़ा नोट काम कब आएगा, जब एग्जाम के पहले आप रिवीजन करेंगे, पढ़िए नोट लेकिन वीडियो को सबसे पहले देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज, तो ये दूसरा पहला इसका था कि ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक, दो वर्ड था, व्यापक और प्राथमिक। व्यापक का मतलब होता है कि, व्यापक मतलब क्या होना चाहिए कि केवल हॉस्पिटल नहीं खोल दिए, हॉस्पिटल है खोले, ये तो खोलना ही खोलना है स्वास्थ्य सुविधा में, ग्रामीण क्षेत्र में रूरल एरियाज में हॉस्पिटल स्टेब्लिश किए, आफ्टर देन ट्रेंड डॉक्टर्स आर इंप्लॉयड, ट्रेंड डॉक्टर्स आर इंगेज्ड, ट्रेंड प्रशिक्षित और अच्छे डॉक्टर को उसमें शामिल करना। उसके बाद तीसरा चीज, व्यापक का मतलब तीसरा चीज कि जितने भी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं सब अवेलेबल कराना। अब मान लीजिए किसी को टीबी हो गया गांव में, तो टीबी के लिए वो जो है वो क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट चाहिए, टेस्टिंग, तो अब शहर नहीं जाएगा, यहीं पे टेस्ट कराएगा, तो डायग्नोसिस सेंटर, टेस्ट लैब ये सब का सुविधा प्रोवाइड करना, यही व्यापक है। और प्राथमिक मतलब प्राइमरी मतलब इनिशियल स्टेज में जो भी है वो फैसिलिटी होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए टीबी है, तो टीबी का मान लीजिए किसी को बहुत ज्यादा मतलब वो मेजर हो गया कोई डिजीज, तो इनिशियल प्राइमरीली स्टेज में जो भी ट्रीटमेंट होना चाहिए वो करना है, जब थोड़ा क्योर हो तो उसको कहीं और भेजना। चूंकि रूरल एरियाज में जो है प्राइमरी स्टेज पे ही उसको हम लोग कर सकते हैं, तो व्यापक प्राथमिक कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव देखिए, दूसरा ऑब्जेक्टिव अब यहां पर देखिए, दूसरा क्या है, अब इसका मेन फोकस था कि गांव में ये जो पॉलिसी है वो खास करके गांव के लिए था। अब यहाँ पर एक चीज देखा गया कि आप कितना भी गांव में फैसिलिटी दे दीजिए, कितना भी आप हॉस्पिटल खोल दीजिए, कितना भी आप डॉक्टर रख दीजिए, कितना भी टेस्टिंग सेंटर रख दीजिए, लेकिन लोग जो हैं क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा उनमें नहीं है, लैक ऑफ स्वास्थ्य शिक्षा का अभाव ग्रामीण क्षेत्र में। लोग आज भी, उस समय तक लोग ओझा झाड़ फूक, और पीपल डिपेंड्स ऑन है ना अनस्किल्ड या अनट्रेन्ड डॉक्टर्स अप्रशिक्षित डॉक्टर्स पे डिपेंड करते थे लोग।
हॉस्पिटल में इलाज कराने से डरते थे, उनको डर लगता था कि नहीं, है ना, वो डॉक्टर, बहुत लोगों ऐसा था कि नहीं हॉस्पिटल जाने से मर जाएंगे, या हॉस्पिटल जाने से मर जाएंगे या डॉक्टर ऑपरेशन कर देगा तो मर जाएंगे, ऐसा बहुत लोगों में था। तो इसका एक और ऑब्जेक्टिव जोड़ा गया कि लोगों इसमें कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर जो है उसके साथ ऐड कर दिया गया, क्या, हेल्थ एजुकेशन को, हेल्थ एजुकेशन को ऐड कर दिया गया, सेकेंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। टू, हाँ प्रणाम प्रणाम, ठीक है ना, हेल्थ एजुकेशन, सोचिए जब आज ये स्थिति है तो 1983 के पहले क्या होगा, है ना, तो समझ रहे ना। हाँ, और तो आप ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को अवेयर करने के लिए हेल्थ एजुकेशन को इसका एक ऑब्जेक्टिव बना दिया गया। तो लिखेंगे, इन दिस पॉलिसी द एक्सटेंशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज एडेड एज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस हेल्थ पॉलिसी। एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन इज एडेड एक मिनट एडेड इन दिस हेल्थ पॉलिसी टू अवेयर द पीपल ऑफ रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य के प्रति। अब हॉस्पिटल खोल दिए, कोई आ ही नहीं रहा है, कोई इलाज नहीं कराना, तो उसके लिए जरूरी है ना। तो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को उसके अवेयर करने के लिए, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा को इसमें जोड़ दिया गया, थर्ड पॉइंट। अब आप बताइए स्वास्थ्य शिक्षा कैसे दिया जा सकता है, एक सवाल है, कैसे देंगे स्वास्थ्य शिक्षा, बुला बुला के पकड़ पकड़ के स्कूल में बिठाएंगे और स्कूल में पढ़ाएंगे, आप बताइए। आप जब तक बोलिएगा नहीं, एनालिटिकल वर्ड में बोलिए, क्या करेंगे, बोलिए। बट हाँ, तो जागरूकता, ठीक बोले, कैंपेन, एकदम सही बोले, कैंपेन चलाएंगे। अब कैंपेन कौन चला सकता है, हेल्थ वॉलेंटियर, हेल्थ। अब ऐसी सीक्वेंस में जोड़िए, ऐसी देखिए, ऐसे ही सोचा जाता है कि गांव में हॉस्पिटल खोल दिए तो कोई आ नहीं रहा है, तो उसके लिए हेल्थ एजुकेशन शुरू किए। अब हेल्थ एजुकेशन कौन देगा, हेल्थ वॉलेंटियर्स, कुछ हेल्थ वॉलेंटियर्स अपॉइंट किए गए, ठीक है। तो यहां पर क्या किया गया, हेल्थ वॉलेंटियर फॉर दिस, या ऐसे लिखेगा, दिस पॉलिसी वाज आल्सो फोकस्ड ऑन, ठीक है ना, ऑन क्या बोलेंगे उनको, अपॉइंटमेंट ऑफ हेल्थ वॉलेंटियर्स, हैविंग एप्रोप्रिएट नॉलेज, सिंपल स्किल्स एंड रिक्विसाइट टेक्नोलॉजीज। This policy was also focused to appoint health volunteers having appropriate knowledge, simple skill, मतलब साधारण स्किल हो, और requisite technologies, और उन्हें तकनीक का knowledge हो, उनको appoint किया गया। देखिए कितना अच्छा से हम जोड़ दिए, ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक स्वास्थ्य सुविधा, उसके साथ education जोड़ा गया ताकि लोग उसके बारे में जाने, और हॉस्पिटल आए, और उनको एजुकेट करने के लिए किसको अपॉइंट किया गया, किसको, हेल्थ वॉलंटियर्स को। ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज और किया गया, क्या, यहां पर एक रेफरल सिस्टम आप लोग सुने होंगे, रेफरल सिस्टम क्या होता है, पहले इसको समझिए।
मतलब था जो फोर्थ पॉइंट था टू स्टेबलिश और रेफरल सिस्टम। ये रेफरल सिस्टम आज भी सुने होंगे, रेफरल अस्पताल। रेफरल अस्पताल का मतलब समझते हैं कोई? बोलिए। हाँ एग्जैक्ट, कहने का मतलब क्या है कि इस रेफरल सिस्टम में क्या होता है कि एक हॉस्पिटल दूसरे ये बहुत सारे हॉस्पिटल से अटैच हो जाता है। डी, तीन हॉस्पिटल से अटैच हो गया। ये मान लीजिए ये स्पेशली क्या करता है, टीबी का इलाज है ना, टीबी का इलाज। ये स्पेशली कैंसर का इलाज करता है। ये स्पेशली मलेरिया का इलाज, मलेरिया। और ये जनरल हॉस्पिटल है, समझिए। अब क्या करेगा कि यहां पे कोई पेशेंट आएगा, पेशेंट आएगा। अब क्या होगा, यदि मान लीजिए मलेरिया का पेशेंट आया तो ये चूंकि ये तो प्राइमरी है, प्राथमिक है, अब ये क्या करेगा, इसका इसका इलाज करेगा, इनिशियल स्टेज वाला। मलेरिया है, सपोज दैट मलेरिया है किसी को, सपोज दैट है ना अ पर्सन सफर्ड फ्रॉम मलेरिया, तो देन दिस हॉस्पिटल विल प्रोवाइड, दिस हॉस्पिटल विल प्रोवाइड इनिशियल स्टेज ट्रीटमेंट टू दिस पर्सन। ये उसको शुरुआती दौर का इलाज देगा, बुखार को कम करेगा, मलेरिया में कब कभी बुखार आता है, उसके बॉडी टेम्परेचर को कम करेगा, कोई और प्रॉब्लम है उसको कम करेगा। उसके बाद ये रेफर कर देगा इसमें जो लिंक है। मान लीजिए किसी को टीवी है तो वो टीवी को टीवी हॉस्पिटल में जहां स्पेशलाइज्ड है रेफर कर देगा। तो इसको बोलते हैं रेफरल सिस्टम। ये बहुत बड़ा चीज था। ऐसे आप देखिएगा कि डॉक्टर रेफर करते हैं, जैसे मान लीजिए प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, वहां पे ट्रीटमेंट नहीं है तो रेफर करते हैं। ये गांव स्तर पे इसको बनाया गया तो लिखेंगे कि अब इससे क्या फायदा हुआ वो हम बताते हैं। तो ये एक और, हाँ जो भी हो, हम क्या बोल रहे हैं, गांव किसके अंडर में आता है, प्रखंडे के अंडर में ना, छोड़िए ना वो सब, छोड़िए ना, आप समझ रहे हैं ना गांव और प्रखंड में क्या फर्क है। जहां जो गांव होगा, जो रूरल एरियाज होगा, वहां ब्लॉक होंगे ही होंगे। चलिए देखिए, ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे कि मतलब एक चेन होता है, मेरा कहने का मतलब ये है, एक चेन होता है जिसमें रेफर किया जाता है, ठीक है, समझ गया ना, जिसमें रेफर किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसमें एक रेफरल सिस्टम को एस्टैब्लिश किया गया। देखिए, द अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी इज टू एस्टैब्लिश रेफरल सिस्टम। इसमें रेफरल प्रणाली, हिंदी में भी रेफरल ही लिखिए, रेफरल, कुछ कुछ के हिंदी नहीं होते हैं, रेफरल प्रणाली को स्थापित किया गया। ठीक है, समझ गया ना। अब इसका उद्देश्य क्या था भाई, क्यों, टू ओवरकम, सॉरी टू डिमिनिश, टू रिड्यूस द पेशेंट लोड एट हायर लेवल ऑफ हायरार्की। समझिए, कहने का मतलब है इसका मुख्य उद्देश्य, जो क्या बोलते हैं, जो पेशेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, ना जो मरीज है, जो मरीज है, उनके अत्यधिक बोझ को कम करना। अब ये रेफर करेगा, अब रेफर करेगा तो इसका फी भी कम होगा, फिर वो अपने एम्बुलेंस से भेजेगा, अपने एम्बुलेंस से भेजेगा इसको, ही रेफर्ड टू दिस, और ये डॉक्टर उसे कम फी नहीं लेगा, हो सकता ना ले, फी भी ना ले। तो इस तरह का सिस्टम करने का मुख्य उद्देश्य था टू रिड्यूस द एक्सेस लोड ऑफ पेशेंट एट हाई लेवल, माने ऊंचा, माने उसको बड़ा से बड़ा इलाज कराने में उसके लोड को कम करना। समझ गया ना,
समझ गए? तो ये सारे थे। और लास्ट लास्ट इंटीग्रेटेड टू एस्टेब्लिश इंटीग्रेटेड नेटवर्क ऑफ स्पेशियलिटी एंड सुपर स्पेशियलिटी सर्विसेज। देखिए, टू एस्टेब्लिश अ नेटवर्क ऑफ स्पेशियलिटी एंड सुपर स्पेशियलिटी सर्विसेज। ठीक है, आप देखे होंगे नाम लिखा होता है सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल। तो मतलब क्या है, वहां पर बहुत अधिक सुविधा होती है। तो यहां पर मतलब इसका मतलब है कि हॉस्पिटल जो भी स्टेबल किया जाए सब स्पेशियलिटी एंड सुपर स्पेशियलिटी सर्विसेज, मतलब विशेष सुविधा युक्त। हिंदी वाले लिखिए, सुविधा युक्त सेवा प्रदान करना, विशेष सुविधा युक्त सेवा प्रदान करना। ठीक है, अब देखिए इसका मेन गोल था। अब इन समझ गया ना, कैसे समझ रहे हैं कि नहीं? दो एक एक लाइन में लिखना है। पहला कि इसका मुख्य, इसे 1983 में स्टेबल किया गया, फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। पहला इसका मुख्य उद्देश्य, अब मेन फोकस रूरल एरियाज में क्या करना, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करना और प्राइमरी, कॉम्प्रिहेंसिव और प्राइमरी। द मेन फोकस टू एस्टेब्लिश कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कर। अब ग्रामीण क्षेत्र के लोग अनपढ़ थे स्वास्थ्य के प्रति, एंड टू एजुकेट या टू प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन इन रूरल एरियाज। सेकेंड, अब रूरल एरियाज में हेल्थ एजुकेशन कौन देंगे? कौन? हेल्थ वर्कर्स। तो थर्ड एम्बिशन क्या था? टू अपॉइंट हेल्थ वर्कर्स विथ नॉर्मल स्किल। बहुत ज्यादा स्किल होंगे तो थोड़ी ना जाएंगे गांव में, एंड विथ नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, मतलब हेल्थ वॉलेंटियर की को नियुक्त करना। और उसके बाद हमने बताया रेफरल सिस्टम को एस्टेब्लिश करना, ताकि ऊपरी स्तर पर जो मरीज हैं उनके अत्यधिक आर्थिक बोझ, इकोनॉमिकल लोड को मिनिमाइज करने के लिए, टू मिनिमाइज इकोनॉमिकल लोड ऑफ पेशेंट एट हाई लेवल, उच्च स्तर पर जो उनका आर्थिक बोझ पड़ रहा है उसको कम करना। समझ रहे हैं? और लास्ट स्पेशल और सुपर स्पेशियलिटी सुविधाएं प्रदान करना। इन सब के आधार पर इसका, अब देखिए यहां पर क्या था, जो अमीर लोग थे, जो रिच पीपल थे, वो तो हेल्थ फैसिलिटी ले रहे थे। They are rich people are always able for good health facilities। अमीर व्यक्ति हमेशा अच्छी स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त कर लेते हैं। समझ गया ना? ठीक है, लेकिन पुअर इससे दूर थे, गरीब और ग्रामीण क्षेत्र के लोग इससे क्या थे, दूर थे। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हेल्थ फॉर ऑल, इसका मेन लक्ष्य लिखिए। अब ये उद्देश्य हो गए, अब लक्ष्य हेल्थ, देखिए अब समझिए गोल, ये ऑब्जेक्टिव थे उद्देश्य, और इस उद्देश्य के आधार पे एक लक्ष्य होता है, एक गोल होता है। तो गोल था हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000 AD, हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000 AD। इसका मुख्य उद्देश्य 2000 ईस्वी तक सभी को छूट कौन रहे थे? ग्रामीण क्षेत्र के लोग, क्योंकि वहां हॉस्पिटल नहीं थे, वे नीम हकीम पर ही डिपेंड थे। समझ गए? सभी को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना। ठीक है,
लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने में, लिख लीजिए सभी को 2020 तक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना, लेकिन दिस पॉलिसी वुड नॉट बी अचीव्ड इट्स गोल, दिस पॉलिसी वुड नॉट बी अचीव्ड दिस गोल, लेकिन ये जो पॉलिसी है इस गोल को अचीव नहीं कर पाया, इसके कुछ कारण थे। अब उस कारण को शॉर्ट में आप लिखेंगे, इसके कुछ कारण थे। अब आप बताइए, मेरा वीडियो सुन के आपको याद हो जाएगा, और नोट्स पढ़िएगा तो, क्योंकि वीडियो में जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो नोट्स में थोड़ी ना एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है, इसलिए बहुत लोग अभी हम देख रहे हैं जो मेंस देने वाले वीडियो छोड़ दिए हैं देखना, और फोन करके नोट्स पे फोकस्ड है। नोट्स रटना संभव नहीं है, रटिएगा भूल जाइएगा, और कह रहे हैं हम नोट्स पढ़ेंगे, वीडियो कान में लगाए रहिए ना, नोट्स पढ़ने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, वीडियो को कान में लगाइए। काम भी, जो महिलाएं हैं काम भी कर रही हैं सुन रही हैं, घूम रहे हैं सुन रहे हैं, कहीं बैठे हुए हैं सुन रहे हैं, बस रट दिमाग में धंस जाएगा। चलिए, अब क्यों ये सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है, क्यों ये सक्सेस नहीं हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण बायस्ड, पहले इंग्लिश में लिख रहे हैं, मतलब यहां पे लिखेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983। ड्रॉबैक्स, पहला ड्रॉबैक्स बायस्ड एंड पुअर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पुअर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप लोग बहुत जगह ये वर्ड देखे होंगे, सोशियो और इकोनॉमिक्स को जोड़ देता है, सोशियो और इकोनॉमिक को जोड़ देता है, आप बहुत जगह देखे होंगे, अर्थ समझते हैं तो लिखे, समझिए यहां पर दो वर्ड है, बायस्ड एंड पुअर। कहने का मतलब हिंदी में बोलेंगे कि द्विस्तरीय, और पुअर का मतलब बोल सकते हैं निम्न सामाजिक आर्थिक विकास। ये सामाजिक और आर्थिक को साथ में क्यों जोड़ा जाता है, इकोनॉमिक और पॉलिटी को क्यों नहीं जोड़ता है, देखिए ये दोनों भाई हैं, कैसे समझिए, इसलिए जोड़ा जाता है, इसका अर्थ समझिए। उस समय ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, सामाजिक और आर्थिक विकास का मतलब कि जब लोगों का जो इनकम है, इनकम लो हो तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड, इनकम लो, अनएम्प्लॉयमेंट, तो लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, स्टैंडर्ड लो, जब लिविंग स्टैंडर्ड लो होगा तो क्या होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे जिसमें हेल्थ इश्यू भी होगा, क्योंकि आप देखते हैं जिनका लिविंग स्टैंडर्ड, जिनका इनकम ज़्यादा है उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई है तो वो अच्छा भोजन करते हैं, न्यूट्रिएंट फूड्स खाते हैं, हाइजेनिक लाइफस्टाइल जीते हैं, साफ सुथरा जीवन जीते हैं, अपने आप को साफ रखते हैं, घर को साफ रखते हैं, ठीक है, ताकि बीमारी, क्योंकि गंदगी से बीमारी होती है, तो ये कब संभव है, जब उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो। तो कहने का मतलब ये है कि इनकम लो, इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट है ना, पॉवर्टी, गरीबी, दीज आर इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं, और इकोनॉमिकल फैक्टर्स जो हैं अब से आपका लिविंग स्टैंडर्ड, ये सोशल है, सोशियो है, तो कहीं ना कहीं सोशल स्टेटस इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है,
कहीं ना कहीं सोशल स्टेटस इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ है। और ये एकदम फैक्ट है कि आपका सोशल जो स्टेटस है, जो आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो आपके इनकम से ही बढ़ता है। आपका इनकम रहेगा तो आप अच्छा पहनेंगे, अच्छा खाएंगे, लग्जरियस गुड्स का यूज करेंगे और अच्छा सोचेंगे। तो कहने का मतलब है कि सोशियो और इकोनॉमिक, ये दोनों को हमेशा जोड़ के देखा जाता है। और जब ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, तो हेल्थ इश्यू भी नहीं होगा। तो यही चीज यहाँ पे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि हमारे देश का जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस था वो पुअर था। अब जब पुअर था तो लोग हेल्थ के प्रति कैसे अवेयर होंगे? कितना भी पॉलिसी बना दीजिए, कितना भी हॉस्पिटल खोल दीजिए, गंदा पहनेंगे, गंदा खाएंगे तो क्या होगा? आज भी गांव में चले जाइए, है ना, खास करके झारखंड में तो नहीं, बिहार वार में कुछ बहुत सारे गांव हैं, जहाँ चले जाइए, आज भी बच्चे जैसे तैसे रह रहे हैं, खेल रहे हैं मिट्टी में, है ना, किन्हीं का पेट निकला हुआ है, किन्हीं का टांग पतला है। वो सब क्यों है? क्योंकि उनके पास अभी भी स्टैंडर्ड लाइफ जीने के लिए इनकम नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पुअर था और बायस्ड। बायस्ड का मतलब क्या है? बायस्ड मतलब हो गया कि हमारे यहाँ तो जान ही रहे कि हमारे यहाँ जो ये सोशल गैप है, सामाजिक जो गैप है, बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग बहुत अमीर है, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, तो उसको बायस्ड हो गया। मतलब बायस्ड मतलब एक तरफा, बायस्ड का मतलब होता है एक तरफा कह सकते हैं। मतलब एक तरफ बहुत ज़्यादा अच्छा 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 सुविधा हेल्थ फैसिलिटीज ले रहे हैं और एक तरफ कुछ नहीं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो इसको रोक रहा था, इस पॉलिसी को, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा जो था देखिए, दूसरा जो प्रॉब्लम था हमारे कंट्री का, दो ही मेन समस्या था, है ना, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। इसको बोला गया डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब थोड़ा ये मतलब क्या बोलेंगे, अब इसका हिंदी हम भूल गए, हाँ भेदभावपूर्ण, सॉरी, हाँ भेदभावपूर्ण पॉलिसी था, ठीक बोले, डिस्क्रिमिनेटरी। थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में मदद कीजिएगा, अभी सब मेरे दिमाग में हिंदी इंग्लिश घोंच पोच हो गया है, किसी का हिंदी जान रहे, किसी का इंग्लिश भूल जा रहे, क्योंकि अभी मेरी ट्रेनिंग भी वैसे ही हो रही है, इसीलिए थोड़ा सा घोंच पोच हो गया है। तो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, अब इसको डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी क्यों बोला गया? भेदभावपूर्ण नीति। दो चीज याद रखिएगा, पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, और दूसरा इसको भेदभाव। दिस पॉलिसी वॉज नोन एज डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। इसको भेदभावपूर्ण नीति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अब देखिए, अब एक सवाल उठता है, एक यूथ है और एक मान लीजिए चाइल्ड है, और एक मान लीजिए फीमेल है। आपको पता होना चाहिए इन तीनों को अलग अलग हेल्थ फैसिलिटी चाहिए। यूथ को हेल्थ फैसिलिटीज यूथ के बजाय चाइल्ड और फीमेल को ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि फीमेल जो होती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो उनको ज्यादा फैसिलिटी चाहिए। चाइल्ड का हर स्टेज में, जब तक वो यूथ नहीं हो जाता है, उसको बहुत ज्यादा हेल्थ केयर की जरूरत होती है। तो इसमें ये सब पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, विशेषकर केवल क्या किया गया, रूरल एरियाज बस बोल दिया गया। तो रूरल एरियाज में किस पर? यूथ पर, कि जेंडर पर, कि और चीज पर?
तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ड्यू टू एज जेंडर इटीसी, दस प्रिवेंटिंग एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्वाइवलेंस, दस दिस प्रिवेंट द एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर सर्वेलियंस, प्रिवेंट द हेल्थ केयर सर्वेलियंस, मतलब ये जो था इस कारण इस हेल्थ केयर को स्वास्थ्य सुविधा के व्यापक स्तर पर फैलाव को रोकता है। यदि इसमें ऐसा किया जाता कि चाइल्ड के लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम चलाए जाते, विमेन के लिए कुछ स्पेशल, तो ये बहुत सक्सेस होता, इसके यही कारण थे। चलिए अब देखिए, उसके बाद सेकेंड हेल्थ पॉलिसी जो था नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2022, तो हमको लग रहा है ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अब क्या है, ड्यू टू दीज ड्रॉबैक्स, इन कमियों को दूर करने के लिए या इन कमियों के कारण, ड्यू टू दीज ड्रॉबैक्स एंड फॉर अचीविंग बेटर हेल्थ केयर एंड द गोल्स टू अचीविंग बेटर हेल्थ केयर एंड अनमेट गोल लिखिएगा, टू अचीविंग द बेटर हेल्थ केयर एंड अनमेट गोल्स, मतलब इन कमियों को दूर करने तथा उत्तम स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने, और जो एक मिनट, और जो लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया उसको फिर से प्राप्त करने के लिए, टू अचीव द अनमेट गोल, अ रिवाइज्ड हेल्थ पॉलिसी हैज अनाउंस्ड, अ रिवाइज्ड हेल्थ पॉलिसी हैज अनाउंस्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 2002। फिर से सुनिए, फिर से क्या, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, उत्तम स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने, दूसरा जो लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया था उसको फिर से प्राप्त करने के लिए क्या किया गया, एक संशोधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा, 2002 में की गई। अ रिवाइज्ड हेल्थ पॉलिसी हैज बीन अनाउंस्ड by Indian government in 2002, which is known as National Health Policy 2002. ठीक है, अब देखिए इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स, अब देखिए ग्रामीण क्षेत्र वाला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, जो हम चार चीज बताए थे शुरू में, देखिए आप कॉपी में, ग्रामीण क्षेत्र वाला ये चीज तो सॉल्व हो गया था, ठीक है ना। लेकिन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था पूंजी का अभाव। अब देखिए इसका मेन उद्देश्य था कि इसको जो है हम क्या बोले, हेल्थ फॉर ऑल वाला अचीवमेंट नहीं हुआ, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि इसको ऑप्टिमाइज करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था पहला, टू ऑप्टिमाइज हेल्थ केयर सर्विसेज टू अ लार्ज ग्रुप रैदर देन स्मॉल ग्रुप का मतलब अभी बताया ना, इसके पहले रूरल एरियाज में ये बहुत ज्यादा फोकस था ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, अब इसका
ऑब्जेक्टिव क्या किया गया, हेल्थ केयर सर्विसेज जो है उसको एक बड़े ग्रुप में तक बढ़ाना। इसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सुविधाओं को व्यापक तौर पर बड़े समुदाय या बड़े समूह तक विस्तृत करना। अब इसमें अब ये बड़े स्तर पर कैसे हो सकता है, समझिए बड़े स्तर पर कैसे हो सकता है, चलिए बोलिए क्या, आप सोचिए क्या हो सकता है। हम बड़ा स्तर पर जाना चाह रहे हैं, अभी केवल ग्रामीण क्षेत्र में थे, अब हम इसको बड़ा क्षेत्र में भेजना चाह रहे हैं। मतलब इसमें वैसे क्षेत्र भी जो टाउन में रह रहे हैं लेकिन उनको फैसिलिटी नहीं है, वैसे क्षेत्र में भी हेल्थ केयर देना चाह रहे हैं जो टाउन में हैं लेकिन उनका स्टैंडर्ड लो है। ऐसा थोड़ी ना कि टाउन में लो स्टैंडर्ड वाले नहीं हैं, या उन तक पहुंचाना चाहे कि टाउन में जो शहरों में जो है पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। अब ग्रामीण क्षेत्र से हम लोग शहरी क्षेत्र में चले आए जिनका आय निम्न है, या इसको ट्राइबल एरिया में, शेड्यूल कास्ट एरिया में, शेड्यूल ट्राइबल एरिया में भी इसको एक्सपैंड करना, करने का पर्पस रखा गया। तो उसके लिए क्या होगा बोलिए, कैसे, जैसे इसके पहले हम बताए कि रूरल एरियाज में हेल्थ केयर देना है तो एजुकेशन जोड़ेंगे, देखिए एनालिटिकल अप्रोच रखिए, फिर हम ग्रामीण क्षेत्र, हाँ अस्पतालों की, लेकिन एक कमी तो भी था हमारे यहाँ, कैपिटल का कमी था। हाँ ठीक बोले, देखिए दो तीन चीज इसमें, आप एक पॉइंट सही बोले, दो तीन चीज। पहला चीज तो क्या है कि इसमें स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ाना, और हमारे यहाँ पूंजी का अभाव था। अब जब आप बड़े एरिया में बढ़ाएंगे, अब गांव तक थे तो कम पूंजी लग रहा था, बड़े एरिया में बढ़ाएंगे तो इसके लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए। तो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स और प्राइवेट इन्वेस्टर्स को क्या किया गया, उनको जोड़ा गया हेल्थ केयर से। फॉर दिस प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स एंड प्राइवेट इन्वेस्टर्स वेयर एडेड इन हेल्थ केयर सर्विसेज। इसमें क्या किया गया, निजी प्रैक्टिस करने वाले और निजी पूंजीपतियों, तो अब इसी तरह लिंक करके समझिए कि अब देखा गया कि वो वाला पॉलिसी 1983 वाले पॉलिसी का स्कोप बहुत बड़ा नहीं है स्पेशली रूरल एरियाज के लिए। अब इसमें फोकस्ड हुआ, इंडिया फोकस्ड हो गया टू इनहेंस हेल्थ केयर इन लार्ज ग्रुप। अब लार्ज ग्रुप के लिए कैपिटल चाहिए और इंडिया के पास इतना कैपिटल नहीं था, क्योंकि इंडिया का मैक्सिमम कैपिटल, अब समझिए इसको एक और तरीके से समझिए, आप बताइए, आपसे मैं एक सवाल करता हूं, इंडिया का बजट का मैक्सिमम कैपिटल कहां इन्वेस्ट होता है, लोन चुका नहीं, नो सब गड़बड़ है, एक सुनिए, सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, सुनिए भारत का अधिकांश बजट सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम में जाता है, मतलब समझे, कई प्रकार के हमारे यहां देखते हैं सोशल प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं ना, हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, साइकिल वितरण योजना, साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, बेटी बचाओ अभियान, दाल भात योजना, कृषि विकास योजना। तो आप क्या उसमें, आप पैसा, सरकार ना आपको पैसा देती है, तो बजट का मैक्सिमम पार्ट, अब इसी में जवाब मिल जाएगा। देखिए हम बहुत अच्छा एक चीज बता रहे, किया क्या गया इसमें, कि मेन तो कैपिटल का लैक ऑफ कैपिटल था, कैपिटल। अब यहां पे क्या किया गया, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स
और प्लस इन्वेस्टर को ऐड किया गया किसमें, हेल्थ केयर सर्विस में। मतलब अब प्राइवेट लोगों को और प्राइवेट प्रैक्टिशनर को क्या किया गया, बोला गया कि तुम भाई प्रैक्टिस करो, तुम प्रैक्टिस करो, जितना हॉस्पिटल खोलो और जितना इन्वेस्ट करो। मतलब अब कहने का मतलब हेल्थ का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, प्राइवेट डॉक्टर्स को यह छूट दे दिया गया। लेकिन वो उस समय ये नहीं सोचा गया था कि प्राइवेट डॉक्टर्स आज बहुत बड़े क्या हो जाएंगे, लूट लूट खजोट करने वाले। उस समय सोचा गया था कि प्राइवेट डॉक्टर्स और हेल्थ अपना अपना हॉस्पिटल खोलो। एक और उपाय किया गया, ऐसा सोचा गया कि क्यों ना हम सोशल प्रोग्राम्स को इस पॉलिसी में जोड़ दें। तो क्या हुआ कि सोशल प्रोग्राम्स को रिलेटेड टू हेल्थ केयर, मतलब स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित सामाजिक कार्यक्रम जो चलाए गए थे उसको जोड़ दिया गया। तो कैपिटल का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वो प्रोग्राम के लिए जो बजट दिया जाता था वो बजट स्पेशली हेल्थ केयर के लिए यूज हो गया। द बजट विच वॉज प्रोवाइडेड फॉर सोशल प्रोग्राम्स रिलेटेड टू हेल्थ केयर ऑल्सो यूज फॉर इन्हेंसिंग या फॉर एक्सटेंडिंग द हेल्थ केयर सर्विसेज इन लार्ज ग्रुप। समझ गए, द बजट प्रोवाइडेड फॉर सोशल प्रोग्राम्स ऑफ हेल्थ केयर इज ऑल्सो यूज वॉज ऑल्सो यूज इन एक्सटेंडिंग द हेल्थ केयर सर्विसेज इन लार्ज ग्रुप। बड़े बड़े ग्रुप में, बड़े समूह में क्या किया गया, स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार करने हेतु ये कार्यक्रम इसमें जोड़ दिया गया। तो पहला क्या था कि लार्ज स्केल पर एक्सटेंड करना, दूसरा उसके लिए कैपिटल क्या किया गया, प्राइवेट प्रैक्टिशनर और इन्वेस्टर को ऐड कर लिया गया, और साथ में एक देखिए एक एक बजट से दो काम हो गया। एक तो लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिल गया और हेल्थ केयर का एक्सटेंशन हो गया। टू एक्सटेंड एंड सोशल प्रोग्राम्स आर एडेड विथ हेल्थ केयर। नहीं समझे, देखिए इस उदाहरण देखिए, जैसे कहने का मतलब है कि अब आप यहां पर जैसे समझिए, जैसे परिवार नियोजन का जो योजना, फैमिली प्लानिंग स्कीम, परिवार नियोजन का जो योजना है वो एक सोशल प्रोग्राम है, एक सोशल प्रोग्राम है, सामाजिक कार्यक्रम है। उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण। फैमिली प्लानिंग इज सोशल प्रोग्राम हुज मेन गोल इज टू कंट्रोल पॉपुलेशन। अब इस प्रोग्राम को क्या किया गया, इस पॉलिसी के साथ इसको हेल्थ केयर के साथ भी जोड़ दिया गया। अब उससे क्या हुआ कि जो फैमिली प्लानिंग कराने गए उनको बिफोर फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के पहले कुछ हेल्थ फैसिलिटीज होने, कुछ हेल्थ प्रोटेक्शन होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई आदमी फैमिली प्लानिंग का ट्रीटमेंट ऑपरेशन कराने गया, तो अब बिफोर ऑपरेशन देयर इज अ नीड ऑफ मेनी हेल्थ केयर्स, कई स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत होती है। अब गए और तुरंत डॉक्टर ऑपरेशन थोड़ी ना कर देगा, उसके पहले कुछ ना कुछ उसको हेल्थ केयर की जरूरत है। अब उसके बहाने उसका इलाज हो गया, ठीक है। अब देखिए जैसे एक प्रोग्राम चला है ना, कुपोषण है ना, कुपोषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, मैल न्यूट्रिशन। तो एक प्रोग्राम चला चाइल्ड मैल न्यूट्रिशन कंट्रोल स्कीम, बाल कुपोषण निवारण योजना,
बाल कुपोषण निवारण योजना, चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन कंट्रोल स्कीम। अब आप बताइए, एक सामाजिक कार्यक्रम है, बाल कुपोषण नियंत्रण योजना, क्या देखिए ना भाई, हम वही बता रहे, वही तो है। अब ये एक सामाजिक कार्यक्रम है, लेकिन ये कुपोषण नियंत्रण भी तो एक हेल्थ केयर है। तो आप बताइए, जब इस सोशल प्रोग्राम चल ही रहा है और इसको हेल्थ केयर से जोड़ दिए, अब हेल्थ केयर से क्या किए, एक डॉक्टर आप अपॉइंट कर दिए जो प्रिस्क्राइब करने लगा कि आप क्या क्या न्यूट्रिएंट देंगे कि ठीक हो जाएगा, तो हो गया हेल्थ केयर। तो सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स को इसमें ऐड कर दिया गया, दो चीज ऐड किया गया, एक इन्वेस्टर्स को प्रमोट किया गया और दूसरा सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स को इसके साथ जोड़ दिया गया, ठीक है ना। अगला देखिए, इसमें ठीक, अब देखिए इसके अलावा अब एक सवाल उठा कि भाई आप प्राइवेट को तो दे दिए हेल्थ केयर जोड़ दिए, और सरकार ऐसा थोड़ी नहीं कि सो जाएगी, सरकार अभी भी अलर्ट है। तो इसमें गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल बॉडी गवर्नमेंट, ये सब सो ना जाए, उसके लिए एक और इसमें ऐड किया गया। साथ ही साथ क्या किया गया, इंक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग फॉर हेल्थ केयर, इंक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग फॉर हेल्थ केयर, मतलब सरकार के द्वारा जो स्वास्थ्य सुविधा के लिए जो खर्च किया जाता है बजट में, उसको भी बढ़ाने का लक्ष्य उद्देश्य रखा गया। ऐसा नहीं कि टोटली प्राइवेट पे डिपेंड हो गया, तो टू इंक्रीज इन, अगला गोल इंक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग फॉर हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सुधार हेतु सार्वजनिक खर्च या बजट को बढ़ाने का भी उद्देश्य रखा गया। इसके बाद एक चीज और, उसमें गोल केवल एक गोल था, हेल्थ फॉर ऑल टिल 2000 AD, 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधा। इसके कुछ और गोल, एकदम स्पेसिफाइड गोल रखे गए कि भाई हम मृत्यु दर को घटा के इतना करेंगे, बाल मृत्यु दर को, मतलब हम मोर्टेलिटी रेट को डिक्रीज करेंगे कितना से कितना, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को घटाएंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाएंगे। तो स्पेशली कुछ गोल रखे गए, उस गोल को हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा हम हेल्थ पे फोकस ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि पिछले बार हम कम पढ़ाए थे, इस बार हम थोड़ा ज्यादा पढ़ाएंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब। एक मिनट, चलिए समझ में आया बढ़िया से।